वेलकम टू ईशानी वीडियोस। फिर लौट आई नागिन के आने वाले इस हफ्ते में आपको देखने को मिलेगा कि नागरानी शिवानी की तरफ से अग्नि चक्र मंत्र परीक्षा के द्वारा यहां पर राज को सब कुछ याद दिलाने की कोशिश की जाएगी और उसके शक्तियों पर उसका काबू लगाने की कोशिश की जाएगी, जहां पर नागरानी शिवानी कामयाब भी होंगी। वहीं दूसरी तरफ नागरानी शिवानी अब फिर से एक बड़ी मुसीबत में पड़ने वाली हैं। अब यहां पर क्या राज उसकी मदद करने आएगा? वहीं दूसरी तरफ अब आपको देखने को मिलेगा कि पंचशील बाबा को पूरी तरह से हराने के लिए और नागमणि को पाने के लिए रागिनी की तरफ से एक प्लान बनाया जाएगा और यहां पर वो रूप बदल कर जाएगी और उन्हीं लोगों में से एक से मिलेगी जिनको नागमणि का पता है, यानी यहां पर आनंद ठाकुर के सभी दोस्तों से। और यहां पर आपको सामने वो पहला रूप आपको दिख ही रहा होगा, ऐसा रूप बदल कर जाने वाली है। आने वाले एपिसोड में और भी बहुत कुछ खास होने वाला है, तो सब कुछ हम आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप सब एक लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि कि हमें एप्रिसिएशन मिले और हम आपको ऐसे ही रियल और इंटरेस्टिंग अपडेट प्रोवाइड कराते रहें। आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलने वाला है कि राज को यहां पर नंदिनी पूरी तरह से अपना रूप बदल कर एक सपेरे के रूप में लेकर गई है एक ऐसी घाटी पर जहां पर उसके साथ में नाग गुरु पूजा करने वाले हैं और उस पूजा के दौरान उसे सब कुछ उसके पुनर्जन्म की सारी बातें समझाने वाले हैं। तो क्या यहां पर राज इन सभी बातों पर विश्वास करेगा या फिर नहीं, वो तो आने वाले एपिसोड में पता चल जाएगा। लेकिन राज के ऊपर जो यहां पर उसकी शक्तियां हैं उसके काबू में नहीं आ रही, वो धीरे धीरे करके उसके काबू में आने लग जाएंगी, क्योंकि यहां पर वो ऐसी पूजा की जाएगी जो कि काफी ज्यादा उसके ऊपर प्रभाव करेगी और यहां पर राज अपनी नाग शक्तियों पर काबू कर लेगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आपको देखने को मिलेगा कि अब यहां पर रागिनी का कुछ अलग ही प्लान है, यानी कि वो पंचशील बाबा को हराने के लिए नागमणि को पहले हथियाना चाहती है और रागिनी नागमणि पाने के लिए आनंद ठाकुर के उन दोस्तों को चुनेगी जिनको यहां पर नागमणि का पता है और उसके बाद में उन दोस्तों में से किसी एक दोस्त के पास में वो अपना भेष बदल कर जाएगी ताकि वो पता लगा पाए कि नागमणि आखिर में है कहाँ। और ये सब आपको आने वाले हफ्ते में देखने को मिलने वाला है। चलिए आपको बताते हैं बोनस पॉइंट, जो कि आपको आने वाले हफ्ते में तीन ऐसे ट्विस्ट देखने को मिलेंगे जो कि आपको चौंका कर रख देंगे। सबसे पहला, राज के सामने उसके पुनर्जन्म की सच्चाई आएगी कि पिछले जन्म में उसके साथ में क्या घटित हुआ था। वहीं दूसरी तरफ रागिनी का नया चेहरा सामने आएगा नागमणि को हथियाने के लिए। और तीसरा सबसे बड़ा ट्विस्ट, नंदिनी के ऊपर अब ऐसा वार होगा जो कि नंदिनी झेल नहीं पाएगी और उसकी मदद करने क्या राज आएगा? आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताना और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि हमें एप्रिसिएशन मिले और हम आपको ऐसे रियल और इंटरेस्टिंग अपडेट प्रोवाइड कराते रहें। थैंक यू।